हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में बात करेंगे अपनी ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि आप लोग ये बोल रहे थे कि मारुति की जो ब्रेजा है इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मारुति की जो ब्रेजा है पहले भी सेफ गाड़ी मानी गई है, लेकिन मारुति की और गाड़ियों को देखें तो उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, जिससे लोग इस बात को लेकर मारुति को काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रोल करते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं अपनी ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेजा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेजा है दोस्तों, पुराने वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनी गई है। ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म जो पहले मारुति यूज करती थी ब्रेजा के साथ में, वही जो है न्यू जनरेशन यानी ये वाली ब्रेजा के साथ में यूज किया गया है। तो इस बात से ये तो कंफर्म हो जाता है कि ब्रेजा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो पहले की तरह ही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बॉडी शीट क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी किस तरह की है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पुरानी वाली जो ब्रेजा है ना दोस्तों, उसके मुकाबले यहाँ पर बॉडी शीट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया कर दी है मारुति ने। पुरानी वाली जो ब्रेजा थी वो साइड से दबाने पर, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे रियर फेंडर वगैरह को, तो इधर से मैं अगर दबाता था उस गाड़ी को तो वो दब जाती थी, बट इसमें ऐसा इशू नहीं है, कहीं से भी जो है गाड़ी दबती नहीं है, ठीक है। और जो डोर हैं दोस्तों, उन पर भी अच्छा खासा वेट है और बोनट भी काफ़ी ज़्यादा भारी है इसका। साथ में जो अब गाड़ी आ रही है यानी ये वाला जो मॉडल आ रहा है, इसमें सेफ्टी फीचर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिए हैं। एज ए स्टैंडर्ड आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट जैसा फीचर भी मिल रहा है। साथ में जो टायर वगैरह हैं वो भी जो है काफ़ी चौड़े मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, जो बॉडी शीट क्वालिटी है प्लेटफॉर्म है वही यूज किया गया है, साथ में इसमें सेफ्टी फीचर भी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किए गए हैं, जो कि बेस वेरिएंट से ही आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर मिलेंगे। और इसमें जो है दोस्तों, आपको दो एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इस गाड़ी का अब क्रैश टेस्ट होगा तो ये गाड़ी 5 स्टार भी ला सकती है। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आई हैं, जैसे कि इंटीरियर की जो बिल्ड क्वालिटी है यानी प्लास्टिक क्वालिटी है दोस्तों, वो इतनी अच्छी जो है मुझे नहीं लगी है। मैं गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूँ, तो जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी है, और पूरा जो है ना डैशबोर्ड दोस्तों ब्लैक कलर का ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक क्वालिटी है दोस्तों, ये वाली, ये इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि इसको पॉलिश वगैरह करके रखो, आप अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा फील नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी वाली जो ब्रेजा थी ना, उसकी जो डैशबोर्ड की क्वालिटी या अंदर के जो ये डोर पेड देख रहे हो उसकी क्वालिटी वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर थी इसके मुकाबले। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों कि इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो पहले से ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा काफ़ी ज़्यादा। और जो डोर है इसमें भी, इंचेस में भी इतना अच्छा सिस्टम दिया गया है। अगर मैं डोर को इस तरह से छोड़ता हूँ, देखिए, तो डोर ऑटोमेटिकली पूरा बंद हो जाता है और डोर पर अच्छा खासा वेट है। सबसे ज़्यादा वेट मुझे बोनट में फील होता है, बोनट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर मैंने बैठ के भी दिखाया हुआ है, और मेरा जो वज़न है 70 kg है, और 70 kg का पर्सन जब इस पर बैठ रहा है तो फिर जो है मुझे लगता है कि बोनट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे पहली वाली ब्रेजा से काफ़ी सही लगी है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें, इंटीरियर की क्वालिटी की बात करें तो थोड़ी सी मुझे डाउन लगी है। तो सेफ्टी फीचर वाइज भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कंपनी ने कर दी है, इसलिए जो है इसमें जो है आपको मिनिमम जो सेफ्टी मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर आपको मिलते हैं, साथ में 2 एयरबैग तो आपको मिलते हैं, और ABS, EVD वगैरह तो आपको स्टैंडर्ड मिलती ही है सभी गाड़ियों में। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, आप लोग पूछ रहे थे कि ब्रेजा की सेफ्टी के बारे में बताओ, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताइए, तो यही एक जानकारी थी। और आगे चल के देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट रहेगा, क्योंकि गाड़ी को अभी जो है 4-5 महीने हो गए हैं, अभी जो है इसकी 6 महीने में सर्विस होनी है। तो देखते हैं कि आगे चल के जो है कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और समय समय में वीडियो लेके आऊँगा। तो ये एक जानकारी थी ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।